स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लिटिल ए लिटिल और द लिटिल उसके बाद फ्यू ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं लिटिल ए लिटिल और द लिटिल, फ्यू ए फ्यू और द फ्यू। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया लिटिल ए लिटिल फ्यू और मतलब यहाँ फ्यू के बारे में, तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए यहां पे हम इस चीज को ऐसे बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए ये कांसेप्ट याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा तो 100% बना के आइएगा। और देखिए इसको वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अभी हम जानेंगे लिटिल के बारे में और फ्यू के बारे में, पूरा कंप्लीट रूप से जानेंगे और सबसे अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं लिटिल और उसके बाद ए वो यहाँ पे फ्यू। सबसे पहले हम लोग लिटिल के बारे में जानेंगे। देखिए लिटिल ये हो गया आपका लिटिल हो गया और ये हो गया आपका फ्यू। ठीक है जी, ये हो गया आपका फ्यू। ठीक है, अब देखिए लिटिल जो होता है इसका प्रयोग किस तरीका से करते हैं और इसका प्रयोग किस तरीका से करते हैं, इसका दोनों का अगर मतलब हिंदी मीनिंग निकालें तो मतलब होता है कम। इसका भी आपका क्या होता है हिंदी मीनिंग, कम होता है या कुछ होता है, मतलब कम की मात्रा में डिनोट करता है, ये भी आपका कम होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है लिटिल जो होता है ये मतलब लिटिल जो है अपने बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लेता है। ठीक है, तो लिटिल इज यहाँ पर हम लिख देंगे लिटिल इज यूज ऑन काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी लिटिल जो है ये अपने बाद मतलब ये जो है किसके लिए आएगा, हमेशा ऑन काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है लिटिल जो होता है इट टैक्स इसके बाद क्या होगा, इट टेक जो हो गया यहाँ पे ये जो लेता है ये अपने लिए हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। ठीक है, ये क्या लेता है जी, हमेशा अपने लिए सिंगुलर नाउन लेता है, तो ही टेक्स ऑलवेज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जब ये सिंगुलर नाउन लेगा, ये जब सिंगुलर नाउन लेगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये लिटिल जो होता है ये अपने आप में हमेशा नेगेटिव वर्ड लेता है। ठीक है, तो ये मतलब ये हमेशा क्या होता है जी, ये लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। तो इट इज ए यहाँ पे ये होगा इट इज ए नेगेटिव वर्ड, इट इज ए नेगेटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड होता है लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। तो जब कोई वर्ड नेगेटिव हो और उसके साथ फिर हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो लिटिल जब वर्ड आएगा तो इसके साथ कभी दोबारा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट नेवर टेक यहाँ पे जो होगा इट नेवर टेक नॉट या नेवर। ठीक है, ये चीज होता है इट नेवर टेक्स, उसके बाद क्या होगा नॉट यहाँ पे नो नॉट या नेवर, तो इट नेवर टेक्स नो नॉट नेवर, मतलब लिटिल के बाद कभी भी दोबारा नो नॉट नॉट अगर आया तो वो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाने लिटिल जो होता है इसका अर्थ जो होता है ये कम को डिनोट करता है, कम की मात्रा को बताता है, और ये जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ये लिटिल किसके लिए आएगा जी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग जब नहीं करेंगे तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे लिटिल का। ठीक है, अब देखिए ये जो
होता है ये अपने आप में जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी लेता है, ठीक है। उसी तरीका से आगे हम देखते हैं लिटिल जो है इट इज ए नेगेटिव वर्ड, यानी लिटिल अपने आप में जब नेगेटिव वर्ड है तो क्या इसके लिए नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग या नेवर का प्रयोग करना उचित होगा? नहीं होगा। जब नॉट है अपने आप में ये नेगेटिव वर्ड है, ये कैसा वर्ड है जी? नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम कभी भी नो नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ लिटिल का यूज हुआ। उसी तरीका से अभी हम जाने फ्यू का, ठीक है। अभी सिर्फ हम जाने लिटिल और फ्यू के बारे में, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए लिटिल, उसके बाद द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू, इन सब पे लेकर के एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो हम शुरू में ही बोले हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो 100% बना के आइएगा, ठीक है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे फ्यू, तो फ्यू जो होता है ये फ्यू जो होता है ये कैसा इसका प्रयोग होता है? तो ये फ्यू यूज यहाँ पे फ्यू इज यूज, ये फ्यू जो है अपने आप में प्लुरल होता है, तो ये जो होगा ये अपने लिए, तो फ्यू के बाद आर आएगा, फ्यू आर यूज, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे काउंटेबल नाउन लेगा, यानी फ्यू अपने बाद काउंटेबल नाउन लेता है। ये जो होता है फ्यू जो होता है ये मतलब जब भी लेगा तो इट टेक्स ऑलवेज यहाँ पे जो होगा प्लुरल नाउन लेगा एंड प्लुरल वर्ब भी लेता है, ठीक है। जब भी ये फ्यू लेगा तो ये अपने लिए प्लुरल नाउन भी लेता है, और प्लुरल नाउन लेगा तो वो अपने लिए क्या लेगा? प्लुरल वर्ब भी लेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो होता है ये आपका, ये जैसे आपका निगेटिव है उसी तरीका से ये भी आपका क्या होता है? इट इज़ ए नेगेटिव वर्ड, यानी ये भी आपका क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। और जैसे हम लिटिल में मतलब दोबारा ये अपने आप में नेगेटिव होता है तो नॉट, नो या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसके साथ भी इट नेवर टेक्स यहाँ पे नो नॉट या नेवर का प्रयोग इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जाने क्या कि लिटिल का यूज़ जाने, अब देखिए यहाँ पे फ्यू का जाने। अब थोड़ा सा देखते हैं इस पर एग्जाम्पल, ठीक है जी। इस पर एग्जाम्पल हम अभी बोले हैं कि ये फ्यू जो है ये आपका जब भी लेगा तो काउंटेबल, जिसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, उसके साथ आएगा काउंटेबल नाउन। और देखिए ये अपने बाद जो लेता है प्लुरल नाउन लेता है, कैसा नाउन लेगा? प्लुरल नाउन लेगा। और ये अपने लिए जब प्लुरल नाउन लेता है तो प्लुरल वर्ब भी लेगा, और ये भी कम मात्रा को बताता है, बहुत कम को बताता है, और इसके साथ कभी भी इसके साथ भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। खुद की मतलब ये अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा इन दोनों के साथ। चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे देगा आपको, दे देगा वेरी फ्यू। क्वेश्चन देखिएगा, वेरी फ्यू वाज यहाँ बुआ कर लिए या वाज कर लीजिए, ठीक है। वेरी फ्यू वाज आर या इज, वेरी फ्यू वाज आर या इज एज गुड राम, ठीक है जी। चलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे फ्यू का सीख रहे हैं कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम बताएं कि फ्यू का प्रयोग जो होता है काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और ये फ्यू अपने बाद जो होता है प्लुरल नाउन लेता है और प्लुरल वर्ब भी लेता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है वेरी तो है ये अपने आप में एडवर्ब, तो ये जो फ्यू है ये फ्यू जो है अपने बाद हम क्या बोले हैं ये प्लुरल नाउन लेगा, तो ये आपका वाइज जो है ये कैसा नाउन है? ये आपका प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन तो
सही होगा, बुआ का तो प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तो यहाँ वेरी फ्यू बॉयज होगा, जब बॉयज होगा प्लुरल है तो ये अपने लिए क्या मतलब प्लुरल वर्ब भी तो लेगा, तो यहाँ सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा प्लुरल मतलब आर होगा, ठीक है। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम, ठीक है। उसी तरीका से एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे दे देगा वेरी फ्यू गर्ल दे देगा या गर्ल्स, आर्या इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, ठीक है जी। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, बनाने की प्रयास करते हैं। अब देखिए इसके साथ जब फ्यू और लिटिल आए ना, तो उस सेंटेंस में कभी आपको नॉट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि खुद अपने आप में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो है आपका वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू के बाद अभी हम बताएं कि फ्यू अपने लिए क्या लेता है, तो प्लुरल नाउन लेता है। जब प्लुरल नाउन लेगा तो सिंगुलर नाउन का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब ये सही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लुरल वर्ब भी आएगा, तो ये हो गया प्लुरल एक्जुरी वर्ब, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आर का प्रयोग है, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वह अपने बाद प्लुरल नाउन लेगा और वो अपने लिए प्लुरल वर्ब भी लेता है, कभी वो सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीका से हम दे देते हैं वेरी फ्यू, एक और क्वेश्चन देते हैं, वेरी फ्यू यहां पे देखिएगा, वेरी फ्यू यहां पे बॉयज या बुआ वॉज या वर वॉज या वर एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ठीक है जी। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि वेरी फ्यू जो है, तो ये फ्यू जो है अपने बाद क्या लेगा, प्लुरल नाउन लेगा, और प्लुरल नाउन लेगा तो सिंगुलर का तो प्रयोग करना उचित नहीं होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लुरल एक्जुरी वर्ब आएगा, तो वर का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग नहीं करना होगा। तो यहाँ अभी हम जाने फ्यू के बारे में, किसके बारे में जाने, फ्यू के बारे में, कि फ्यू अपने आप में जो होता है नेगेटिव होता है, लेकिन ये कंटेबल नाउन लेता है और ये अपने लिए प्लुरल नाउन भी लेता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब भी आता है। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको लिटिल पे एग्जांपल लेकर आते हैं, इसको एक बार नोट कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं लिटिल पे भी और फ्यू पे भी, जैसे कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को फ्यू पे बताने के प्रयास किए हैं कि जब भी फ्यू जो होता है अपने बाद प्लुरल नाउन लेता है और प्लुरल वर्ब लेता है, उसी तरीका से हम लिटिल के बारे में जानेंगे। लिटिल का प्रयोग जो होगा अनकंटेबल नाउन के लिए होगा, जबकि फ्यू का प्रयोग जो होगा कंटेबल नाउन के लिए होगा। उन दोनों पे लेकर क्वेश्चन आए हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि देयर इज़ ए लिटिल या ए लिटिल वाटर इन पॉट, ठीक है। देखिए आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन हो गया, ठीक है, ये एक बर्तन हो गया आपको, ठीक है जी, सॉरी ये बर्तन भी बनाने में, ये है एक बर्तन, ठीक है जी, और ये, ठीक है जी। तो इसमें जैसे बोल रहा है कि देयर इज लिटिल ए लिटिल वाटर इन पॉट, यानी कि ए लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंट होता है, तो लिटिल जो होता है एकदम नकारात्मक होता है, मतलब कुछ भी उसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी बहुत कम होता है इसका अर्थ, ठीक है, यानी कुछ नहीं के अर्थ में होता है। तो जब ये मान लीजिए एक बोतल हो गया, उसमें क्या दिया है, वाटर दिया है, क्या वाटर, वाटर क्या है, ये एक अनकंटेबल नाउन है, ये वाटर क्या है जी, ये एक अनकंटेबल नाउन है। तो जब अनकंटेबल नाउन है और इसमें क्या किया है कि बहुत कम की मात्रा को लिटिल बताता है, तो मान लीजिए ये बोतल है और इसमें एकदम नकारात्मक मतलब वाटर है, पानी है, तो जब नकारात्मक मतलब एकदम ना के बराबर, कुछ नहीं के बराबर, एकदम जीरो हो, तब उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे, लिटिल का। लेकिन जब उसमें कुछ पानी हो, ठीक है, जब उसमें कुछ हो मतलब कि कुछ पॉजिटिव सेंस दे, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का, ठीक है, ए लिटिल का। तो हम प्रयोग आगे भी बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमको ये चीज बनाना पड़ रहा है। तो देखिए देयर इज ए लिटिल,
तो देखिए ये लिटिल जो होता है अनकंटेबल नाउन होता है, और अनकंटेबल नाउन होता है इसलिए अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये इज का तो प्रयोग सही है। अब देखिए बहुत कम पानी किसमें है, इंपोर्ट में, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग करना सही होगा, ना कि ए लिटिल होगा, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, और ये लिटिल किसके लिए आया, ये वाटर के लिए आया, किसके लिए आया, वाटर के लिए आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देयर इज लिटिल ऑयल इन द बोटल, यानी बोतल में जो है बहुत कम मात्रा में तेल है, तो यहाँ पे ऑयल जो है एक ऐसा नाउन है, अनकंटेबल नाउन है, अनकंटेबल नाउन से पहले क्या आया है, लिटिल आया है, तो ये सही है, और इस लिटिल के लिए हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, न कि प्लुरल आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फ्यू के बारे में, अभी फ्यू के बारे में बताएंगे, फ्यू जो होता है अपने बाद प्लुरल कंटेबल नाउन लेता है, और प्लुरल कंटेबल नाउन होता है, और ये कंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लुरल वर्ब भी लेता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यू, देयर इज या आर, फ्यू वाज या वाज इन द क्लास, उसके बाद दूसरे का क्वेश्चन दिया है कि देयर आर इज फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, तो इस चीज को हम लोग बताने की प्रयास करते हैं, बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए देयर के बाद इफ यू, तो यहाँ पे फ्यू जो है किसके लिए आएगा, प्लुरल कंटेबल नाउन के लिए, ये किसके लिए आएगा, प्लुरल कंटेबल नाउन के लिए, तो ये है प्लुरल कंटेबल नाउन, जब प्लुरल कंटेबल नाउन के लिए आएगा तो ये वर्ब भी कैसा लेगा जी, ये आपका प्लुरल प्लुरल वर्ब लेगा, लेगा कि नहीं जी, तो ये प्लुरल एक्जोरी वर्ब का प्रयोग करेगा, ये फ्यू, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है कि ये भी कुछ नहीं, ना के मात्रा में इसका भी अर्थ होता है, ठीक है, ये भी कम मात्रा को बताता है। उसी तरीका से देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यू, और फ्यू के बाद क्या है, रुपीज है, ठीक है, तो ये सही है, रुपीज लिखा है तो सही है, यहाँ पे वा गलत है, वा सही है, क्योंकि फ्यू अपने बाद प्लुरल नाउन लेता है, और प्लुरल नाउन लेता है तो अपने लिए वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल वर्ब भी लेता है, ये प्लुरल एक्जोरी वर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा है जी। तो जब भी आपको फ्यू और लिटिल का डिफरेंट अगर आए एग्जाम में पूछ दे, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीका से बताएंगे। अब लिटिल फ्यू के बारे में हमको लग रहा है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होते चल रहा है, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को कोशिश कीजिए शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्तों का भी तैयारी हो। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आते हैं ए लिटिल और ए फ्यू और द लिटिल और द फ्यू का कंसेप्ट लेकर के, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे ए लिटिल और ए फ्यू के बारे में, ठीक है जी, इससे पहले हम जाने थे लिटिल और फ्यू के बारे में, अब हम जानेंगे ए लिटिल और ए फ्यू के बारे में। जैसे आप लोग को एक ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताए थे कि जब आपको मतलब एक बोतल दे दे, और उस बोतल में एकदम नाम मात्रा के मतलब अर्थ में कुछ वाटर हो, यानी अनकंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग नहीं करें, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, तो एकदम नाम मात्रा में हो, तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ उसमें हो, कुछ उसमें हो, यानी उस बोतल में कुछ पानी हो, मतलब कि वो कुछ रहेगा, थोड़ा रहेगा, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। उसी तरीका से इसमें भी होता है कि जब कोई चीज़ देगा जो कंटेबल में होगा, जिसकी काउंटिंग करेंगे, उसमें भी कुछ रहेगा, कुछ होगा, कुछ थोड़ा भी रहेगा, तो वहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ई लिटिल जो है इट इज़ ए पॉजिटिव वर्ड, यानी ये जो है ये सेंस जो देता है पॉजिटिव का देता है, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा होता है, जैसे क्लास में कुछ थोड़े स्टूडेंट आए हैं, तो मतलब कुछ तो पहले से हैं, मतलब ना के बराबर तो नहीं ना है, तो उस तरीका का अर्थ देता है, तो ये अपने आप में भी ये लिटिल जो होता है ये इट इज ए पॉजिटिव वर्ड, और इसका अर्थ जो होता है थोड़ा या कुछ होता है, मतलब कुछ थोड़ा रहेगा। चलिए आगे ए फ्यू जो होता है इट इज ए पॉजिटिव वर्ड, और इसका भी अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम पहले लिटिल पे रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर हैं, इसको बताने की प्रयास करते हैं। जैसे लिखा होगा आई नो ए लिटिल अबाउट हिम, मतलब मैं जो है मतलब उसके बारे में कुछ थोड़ा मतलब जानकारी है, मतलब जानता हूँ, यानी नहीं एकदम नहीं जानता हूँ, कुछ जरूर जानता हूँ, तो जानता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का, किसका प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का। चलिए आगे हम देखते हैं कि आई हैड ए लिटिल द लिटिल या लिटिल वाटर इन माई बोटल एंड
आई गेव इट टू ए बेबी, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जब आपके बोतल में कुछ पानी होगा तब न किसी को आप दीजिएगा, तो जब होगा तो वो कैसा सेंस देगा, पॉजिटिव का। और जब पॉजिटिव का सेंस देगा तो क्या प्रयोग करना होगा, ए लिटिल का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे ए, आई हैड ए लिटिल। अब यहाँ द लिटिल और लिटिल का प्रयोग नहीं कीजिए। वाटर इन माई बोतल, यानी इस मेरे बोतल में जो है ना कुछ पानी है जो किसी को इस बेबी को देने के लायक है, ठीक है। तो जब पानी है तो ये क्या, थोड़ा कुछ पानी उसमें होगा तभी तो वो दे पाएगा ना। तो जब थोड़ा पानी होगा तो क्या प्रयोग कीजिएगा, ए लिटिल का। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हो कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन पॉट, ठीक है, यानी इन पॉट जो है इस पॉट में कुछ पानी है, थोड़ा बहुत पानी है। जब थोड़ा बहुत पानी रहेगा, जो अनकंटेबल नाउन होता है, अनकंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले ए लिटिल लगा लीजिए और इसी के लिए हमारा इज आया, ठीक है। अनकंटेबल नाउन के लिए क्या प्रयोग होता है, सिंगुलर। चलिए आगे अब हम देखते हैं, जैसे यहां लिखा है कि देयर इज ए लिटिल वेल इन द बोतल, तो बोतल में जो है कुछ कम मात्रा में थोड़ा बहुत मतलब तेल है, तो है थोड़ा बहुत, तो उस थोड़ा के लिए वो जो है यहां पे ये वेल जो है अनकंटेबल नाउन है, इससे पहले क्या प्रयोग कीजिए, ए लिटिल का, और यहां पे जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे ए फ्यू का यूज। तो ये फ्यू भी जो होता है ये ऑलवेज अपने आप में पॉजिटिव सेंस लेता है, पॉजिटिव सेंस लेता है। और ए जैसे इसमें हम क्वेश्चन लिखे हैं कि ए फ्यू स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, यानी कुछ स्टूडेंट जो है आज क्या है, एब्सेंट है, यानी कुछ हैं पहले से कुछ हैं, मतलब थोड़े ही स्टूडेंट जो है आज एब्सेंट है। तो वो थोड़ा के अर्थ में जो निकलेगा तो ये तो कंटेबल के लिए आता है, तो इससे पहले ए फ्यू का प्रयोग कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है। तो ये प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल वर्ब भी लेता है, यानी प्लूरल लेता है तो प्लूरल वर्ब आएगा। आगे देखते हैं देयर आर इज या ए फ्यू। अब देखिए यहाँ पे ए फ्यू जो है, अब देखिए यहाँ पे देयर आर या इज ए फ्यू बॉय या बॉय इन द क्लास, यानी बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो आज क्लास में क्या है, ऑब्सेंट है। तो कुछ तो पहले से है, तो जब कुछ पहले से रहेंगे तो वहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग कीजिए। और ए फ्यू जो होता है ये प्लूरल नाउन लेता है, और प्लूरल नाउन लेगा तो ये क्या लेगा, प्लूरल वर्ब भी तो लेगा। तो यहाँ बॉय का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। देयर आर ए फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी मतलब इस लाइब्रेरी में जो है, मतलब बहुत लाइब्रेरियों में से कुछ जो बुक है क्या है, अच्छा है, मतलब थोड़े ही बुक जो हैं अच्छे हैं। तो अच्छे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, ए फ्यू आएगा। और ए फ्यू जो है ये आया ये बुक्स, और बुक से पहले ये गुड जो है क्या है, एडजेक्टिव है, और इसी बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर सही होगा, ठीक है जी। तो इस तरीका से हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग, तभी तो हम लोग ए फ्यू जाने। अब इसके बाद द फ्यू का प्रयोग जानेंगे, इसको एक बार नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम जानते हैं द फ्यू का प्रयोग, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द फ्यू का जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे द लिटिल और द फ्यू के बारे में। इससे पहले ए लिटिल और लिटिल, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में जाने, अब हम जानेंगे द लिटिल और द फ्यू के बारे में। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि द लिटिल जो होता है इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, मतलब जो कुछ भी हो, मतलब वो सब के लिए, यानी जो मतलब जो थोड़ा सब या सब कुछ को बताता है, तो उस सेंस में हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। और ये द लिटिल जो होता है ये पूरे ग्रुप को बताता है, ये पूरे ग्रुप को बताता है। उसी तरीका से यहाँ पे ये द फ्यू जो होता है, ये जो होता है ये भी आपका जो थोड़ा सब या सब कुछ को बताता है, ठीक है। और ये जो होता है ये भी पूरे ग्रुप को बताता है। अब देखिए इसका प्रयोग किस तरीका से हम करते हैं, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाता है कि जब भी आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, आपको वीडियो बनाए हैं, अगर उस चीज़ को
इसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन द जो ये डैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसके बाद भी कुछ सेंटेंस होते हैं, इसके पहले भी होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जब भी रिलेटिव प्रोनाउन देगा और उसमें ऑप्शन ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू दे, तो उसमें आप ए लिटिल, द लिटिल, मतलब उसमें द लिटिल का प्रयोग कीजिएगा, ए लिटिल और लिटिल का प्रयोग मत कीजिएगा। कब? जब रिलेटिव प्रोनाउन देगा तब। तो ये डैट से पहले जब भी आएगा तो क्या आएगा? द लिटिल का प्रयोग होगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि वेयर आर द लिटिल, वेयर आर द लिटिल ए लिटिल बुक्स दैट यू हिडन योर हॉस्टल, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये द डैट जो दिया है, ये डैट कैसा प्रोनाउन है, ये आपको दिख रहा है, डेट जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं या रिलेटिव क्लोज भी इसको बोल सकते हैं। तो ये द डेट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए हमारा यहाँ पे द लिटिल प्रयोग करना उचित होगा, ए लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया कि ही गेव मी द लिटिल मनी इन हैंड, ठीक है। तो ये जो है ही गेव मी द लिटिल मनी, यानी जो कुछ भी है मतलब सब मतलब दे दो, ठीक है। जैसे हमारे पॉकेट में जो कुछ भी पैसा है वो सब अगर निकाल के दे देते हैं तो उसके लिए हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कुछ की बात होगा, थोड़ा की बात होगा, तो ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, एकदम हेले ही नहीं होगा तो लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही चीज हम बता रहे हैं कि मतलब कुछ मनी जो है सब कुछ इसको दो, तो यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग करना सही होगा। आगे जो है कि द लिटिल वाटर दैट, तो देखिए ये जो डैट है ये कैसा प्रोनाउन है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा क्या आएगा, द लिटिल का प्रयोग करना उचित होता है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे द फ्यू के बारे में। अभी बताएं कि द फ्यू भी एक ग्रुप को बताता है और द फ्यू जो है ये भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। ये जो होता है ये आपका कंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन ये अनकंटेबल के लिए होगा। अब देखिए, जैसे आई लॉस्ट द फ्यू या ए फ्यू पेंस डेट ए डेट आई बाउट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट देखते ही ये कैसा प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा क्या आएगा, द फ्यू आएगा, ना कि ए फ्यू। अब देखिए द फ्यू आया तो ये अपने लिए प्लुरल वर्ब लेगा, तो पेंस लेगा और वर्ब प्लुरल लिया, ठीक है। तो ये पेन सही होगा, पेन आता तो गलत हो जाता, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैव रेड द फ्यू ए फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, तो यहाँ पे जो है आई हैव रेड द फ्यू, तो द फ्यू के अकॉर्डिंग हमारा बुक्स तो ठीक है कि प्लुरल है, ए फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके लाइब्रेरी में कुछ मतलब सब कुछ जो है मतलब बुक अवेलेबल है जो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो द फ्यू का यहाँ प्रयोग कीजिए, ए फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ये बुक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ, ये हैव का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग हुआ है, उस बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि द बुक्स जो है अपने लिए सॉरी द फ्यू जो है अपने लिए प्लुरल नाउन लेता है और प्लुरल नाउन के अकॉर्डिंग हमारा प्लुरल यहाँ पे प्रयोग करेंगे वर्ब का, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कि द टीचर्स टॉट द फ्यू वर्ज डेट हैड कॉम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेट जो है ये कैसा प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द फ्यू आना चाहिए और द फ्यू जो है ये अपने बाद जो है जो नाउन लेता है ये प्लुरल नाउन लेता है, प्लुरल नाउन लेता है। जब ये प्लुरल नाउन लेता है तो इधर जो है प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो टॉट होगा, समझ में आ रहा है। तो अभी हम पूरा वीडियो में जाने, इस वीडियो में लिटिल, लिटिल, द लिटिल और उसके बाद इल, मतलब लिटिल के बारे में, ए लिटिल के बारे में, द लिटिल के बारे में, उसके बाद फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में, ठीक है। ये सभी चीज़ों को जाने हैं। अब इसके बाद जैसे हम आएंगे तो एडजेक्टिव का अगला पार्ट लेकर के आएंगे। देखिए अगर इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स होंगे तो देखिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और देखिए सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं
नहीं लगता है, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये होगा कि आप इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से मतलब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने भाई दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके। और देखिए हम लोग का कोचिंग जो चल रहा है अभी छपरा में, हम लोग का 2 ब्रांच चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करने का बेहतरीन रूप से, तो आप A1 डिफेंस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि हम लोग का ये जो ब्रांच जो है, एक आपका कचहरी स्टेशन रोड जो है मतेश्वरी निवास भवन में, और एक ब्रांच जो चलता है राजेंद्र सरोवर फोकरा नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में, ठीक है, जो आर्या द्रोणा में है। तो ये 2 ब्रांच चल रहा है। आप लोग को ऑफलाइन अगर क्लास करना है तो आकर के इस क्लास से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग टीचर लोग जो है आपको बेहतरीन रूप से पढ़ाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ से बेहतरीन रूप से आप लोग का तैयारी होगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, कीजिए, ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए कोचिंग को ज्वाइन करके बेहतरीन रूप से तैयारी करने का।